किसी नगर में कुछ लोग अनोखे कर्तव्य दिखाने आए हुए थे। एक मंत्री के आग्रह करने पर मंत्री बीरबल उनके साथ कर्तव्य देखने जाते हैं। वे वहां जाकर देखते हैं कि एक इंसान ऊंची रस्सी पर चल रहा है तो दूसरा इंसान अपने एक हाथ से लगातार कई नारियल फोड़ रहा है और तीसरा इंसान तो अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर निशाने पर तीर मारता चला जा रहा है। ऐसे अद्भुत कर्तव्य देख कर वह मंत्री बड़ा ही उत्साहित होता है। नगर पहुँचने से पहले अंधेरा ना हो जाए इसलिए वे जंगल का छोटा रास्ता चुनते हैं। रास्ते में मंत्री कहता है, कोई इंसान एक हाथ से इतने मजबूत नारियल को कैसे फोड़ सकता है? यह हमारी मन की शक्ति पर निर्भर करता है। क्या मतलब है आपका? मंत्री बीरबल कुछ बोलते तभी दूसरे मंत्री के पैर में कुछ चुभ जाता है। मंत्री बीरबल उनका पैर देखते हैं और कहते हैं, एक कांटा चुभा था जिसे निकाल दिया है और वे एक कपड़ा बांध देते हैं। तुम्हें कपड़ा इसलिए बांध दिया है ताकि तुम ठीक तरीके से चल सको। ऐसा कहकर वे नगर की ओर चल देते हैं। नगर पहुंचने पर मंत्री बीरबल उन्हें वैद्य जी के पास ले जाते हैं। वैद्य जी उन मंत्री का उपचार करके लेप लगा देते हैं। इतना उपचार क्यों? सिर्फ मुझे कांटा ही तो लगा है। आपके पैर में कांटा नहीं था, काटा था, वो भी सांप ने। यह सुनकर वह मंत्री घबरा जाता है। लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हैं। बीरबल जी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझसे पूछा था कि वो कर्तव्य दिखाने वाला इंसान अपने एक हाथ से इतने मजबूत नारियलों को कैसे फोड़ सकता है, तो मैंने कहा था मन की शक्ति से। क्या कहना चाहते हैं आप? यदि मैं आपको उस सुनसान जंगल के रास्ते में बता देता कि आपको किसी सांप ने काटा है तो आप घबरा जाते और नगर तक पहुँचने से पहले सांप के जहर के असर से पहले घबराहट में ही आप वहीं दम तोड़ देते। मैंने आपसे झूठ इसलिए बोला था कि आपके मन की शक्ति कमजोर न पड़े। आपके सवाल का जवाब आपके जीवित रहने से ही आपको मिल गया होगा। आपने सही कहा मंत्री बीरबल जी, मन की शक्ति प्रबल हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। एक बार महल में मुद्राओं की गणना करने और उनकी सुरक्षा के लिए एक बुद्धिमान और ईमानदार मंत्री की जरूरत थी, जिसके लिए दूर राज्यों से चार लोग मंत्री पद के लिए आते हैं। चारों ही अलग अलग राज्यों से आने की वजह से एक दूसरे से अनजान थे। मंत्री बीरबल और कुछ मंत्री उनकी बुद्धि परखने के लिए सवाल जवाब करते हैं। चारों ही उन मंत्रियों के सवालों के जवाब एकदम सही देते हैं। अंत में मंत्री बीरबल उन चारों से आखिरी सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब केवल एक ही आदमी दे पाता है। मंत्री बीरबल सराहना के तौर पर दूर राज्य से आने की वजह से उन तीन लोगों को 50-50 सिक्कों से भरी थैली दे देते हैं। फिर शहंशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, राज्य कोष की सुरक्षा के लिए इन्हें ही मंत्री चुना है तुमने? नहीं हुजूर, इसके लिए हमें एक दिन का इंतजार करना होगा। और इस चुने हुए मंत्री का क्या होगा? हुजूर, ये तो मेरे महल का एक सेवक है जिससे मैंने ही सवाल पूछे थे और उनके जवाब भी इसे पहले ही बता दिए थे। अगले दिन एक आदमी आकर कहता है, मंत्री जी, आपने गलती से मुझे एक सिक्का ज्यादा दे दिया था। हुजूर, अब हमें हमारा मंत्री मिल गया। और ये एक सिक्के का क्या माजरा है? हमें एक ईमानदार मंत्री चाहिए था, मैंने सभी की थैली में एक सिक्का ज्यादा रख दिया था। जो ईमानदार होगा वह एक सिक्का देने जरूर आएगा। और यदि कोई नहीं आता तो? बीरबल, कोयले की खदान में हीरे की तलाश में हाथ काले होते ही हैं। आज छोटा नुकसान हुआ है, लेकिन एक ईमानदार मंत्री के रहते अब बड़ा नुकसान कभी नहीं होगा।